एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव भगतपुर टांडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला कौरबाकू गांव पड़ा। लगभग 9000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में खिलाफत अली ने इस गांव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। प्रधान खिलाफत अली का यह गाँव ब्लॉक से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गाँव में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल व पाठशालाओं की स्थिति बेहतर नजर आई, साथ ही छात्र छात्राओं की कुल संख्या 251 दिखाई दी, जिससे ये नजर आता है कि ये गांव शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर स्थिति में है। इस ग्राम पंचायत में कुल वोटर की संख्या 3100 है, जबकि राशन कार्ड धारकों की संख्या 660 है। साथ ही विभिन्न तरीके की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों की संख्या भी बेहतर नजर आई। इस गांव में ग्राम प्रधान द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया है तथा नालियों का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ बिजली की व्यवस्था को भी ग्राम में पूरी तरीके से दुरुस्त कराया गया है, जिसके अंतर्गत सड़कों के किनारे लगभग 70 बिजली के पोल लगे दिखाई दिए। वहीं प्रधान द्वारा 70 और बिजली के पोलों की सरकार से मांग की गई है। गांव में पीने के पानी के लिए लगभग 42 हैंडपंप लगवाए गए हैं, साथ ही 12 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में नजर आए। वर्तमान प्रधान खिलाफत अली ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव का विकास बेहतर तरीके से करवाया है। उन्होंने ग्राम में शौचालयों का निर्माण भी करवाया है, जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच न जाना पड़े। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सरकार जल्द से जल्द उनके गांव के लिए पैसा मुहैया कराए, जिससे उनके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर किया जा सके। उन्होंने जिला मुरादाबाद का निवासी, मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम प्रधानों की किसी ने सुनी तो प्रधान संगठन की। मेरे गांव में कुछ विकास कार्य चल रहा है, कुछ हो चुका है, और कुछ पैसा कमाने की वजह से सरकार पता नहीं क्यों ग्राम प्रधानों को पैसा कम समय पर टाइम पर ना मिलता, कम मिलता, उसकी वजह से हमारा कार्य बहुत पिछड़ा है। और कुछ हमारे गांव के रास्ते ऐसे हैं जिनमें कि निकलना भी दुश्वार है, जो गांव से बाहर के रास्ते हैं वो हमने पहले बतला भी दिए थे, लिखवा भी दिए थे, मगर कोई कार्य उस पर अभी तक नहीं हुआ है। हमारे गांव में सफाई कर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं है अभी तक। हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग से कोई भी अभी तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है, जो कि ज़रूरी है। कुछ गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो राशन कार्ड के लिए बेचारे आज तक बहुत दिनों से परेशान हैं, और अभी तक उनका कोई भी राशन कार्ड नहीं बना है, जिन्हें खाने के लिए बड़ी दिक्कत। और उनका अगर मैं कहूँ, मैंने खुद जा कर देखा तो उनका गुजारा ही शायद इस पर टिका हुआ है बेचारों का, जो सुबह शाम तक 200-300 रुपये कमाते हैं और फिर वो अपना गुजारा करते हैं, उनके राशन कार्ड बने हुए। लिहाजा राशन कार्ड को बहुत गंभीरता से लिया जाए, मेरा सरकार से ये अनुरोध है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे गांव में शौचालय कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, और जो शौचालय बन रहे हैं, बन गए हैं, वो पूर्ण रूप से उपयोग हो रहे हैं, मैंने खुद जाके देखा वहाँ पे। जी, मेरा नाम अक्षर अली है, मैं ग्राम पंचायत कोरबाकू का रहने वाला हूँ, काश्तकार हूँ, काफ़ी मेहनत करते हैं, सारे काम करते हैं, गन्ना बुवाते हैं, सरकार पर मतलब रेट नहीं देती, पैसा पूरा पूर्ण टाइम पर नहीं मिलता, काफ़ी दिक्कतें और का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार सबसे पहले जो सरकार है उन्होंने कुछ कदर बेहतर करा, अब सरकार आई है नई नई, हमारी राज्य सरकार है, कोई देख रेख नहीं, कुछ नहीं, हम काश्तकार लोग काफ़ी परेशान हैं, रातों दिन पसीना बहाते हैं, तब भी हमें मेहनत से हमारा पैसा पूर्ण रूप से नहीं मिलता।